रहमान रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम सरवाल के पार्ट बी पर दूसरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमने बात करना है स्ट्रक्चर ऑफ सरवाल के ऊपर, और इसी के साथ साथ हमने फंक्शन ऑफ सरवाल पर भी आज बात करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है जो प्लांट्स है, प्लांट का जो सरवाल है, हम सबको पता है प्लांट का सरवाल जो है वो सेलुलोज से बना है, जिसमें 600 डी ग्लूकोज जो है वो उससे उसकी कंपोजिशन हुई है। और हमारे पास जो है एक अमर होती है, जिसको हम जब सेल डिवीजन का अमर होता है, सेल डिवीजन के लास्ट जो टेलोफेज का मरहला होती है, जैसे मरहला हो जाती है तो उसके बाद साइटो काइनेसिस का जब मरहला आता है, इस मरहले में यहाँ पर लास्ट में यानी इधर जो है वो प्रेगोफ्लास्ट का प्रोसेस होते हैं। प्रेगोफ्लास्ट जो है वो एक तरह का जो है वो सिक्रीशन बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। वो जो सिक्रीशन हमारे पास है उसको हम मिडल लेयर या उसको हम मिडल लेमिला कहते हैं उस सिक्रीशन को। तो वो जो मिडल लेयर है बेसिकली इस तरह हमारे पास बाहर की तरफ ऐसे हमारे पास सिक्रीशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स लेयर हमारे पास तो जो है वो साइटोकाइनेसिस के दौरान जो है हमारे पास ऐसे जो है वो सिक्रीशन बाहर की तरफ रिलीज की जाती है, इसको हम डियर स्टूडेंट्स मिडल लेमिला कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए मिडल लेमिला कहते हैं। ये जो मिडल लेमिला है ये बिल्कुल ग्लू की तरह है, ठीक है, ये हमारे पास ग्लू की तरह है, जिसके साथ प्राइमरी सलवार, सेकेंडरी सलवार, सलवार टर्शरी सलवार, ये सारे इसके साथ हमारे पास अटैच होते हैं। अब यहां पर जो है जो प्राइमरी सलवार है इसकी खुद की जो कंपोजिशन है, ये जो खुद बना है, इसकी जो बनावट है प्राइमरी सलवार की, ये बेसिकली स्टूडेंट्स तीन चीजों से मिलकर बना है। एक कैल्शियम, इसमें भी हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ साथ दूसरा इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हो गया और पिट्रेट हो गया, ठीक है। इन तीन से मिडल लेमिला की जो है जो कंपोजिशन है वो ये है। खास करके जो फिर से बता रहा हूं, जब फ्रेगोफ्लास्ट का अमल होता है, फ्रेगोफ्लास्ट कहते हैं जब हमारे पास जो है ग्वाल्जी बॉडीज और यानी फ्रेगोफ्लास्ट एक तरह का स्मॉल फीस होते हैं ग्वाल्जी बॉडी प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लास्ट पिक्चर के लास्ट में मैं आपको लिखवाऊंगा। यहां पर इसी के साथ साथ इधर इसके ऊपर एक और भी इस तरह का जो है दूसरा लेयर यहां पर हमारे पास आ जाते हैं। इस लेयर को डियर स्टूडेंट्स हम प्राइमरी सलवाल कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी सलवाल है। यहां पर दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी सलवाल आपके पास हो गया। यहां पर मान लेते हैं यहां पर हमारे पास ए सेल है, इधर हमारे पास में इस तरफ बी सेल लिखता हूं, ठीक है, ये हमारे पास बी सेल हो गया। तो ये हमारे पास प्राइमरी सलवाल हुआ, ठीक है, हमारे पास प्राइमरी सलवाल। जो प्राइमरी सलवाल आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, ये खुद जो हमारे पास इसमें ज्यादा मिकदार में यानी मोर इसमें डियर स्टूडेंट्स इसमें हेमी सेलुलोज मौजूद है, ठीक है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सेलुलोज हेमी सेलुलोज ये सारे बता चुका हूं। एंड लेस सेलुलोज सेलुलोज फाइबर जो है वो इस प्राइमरी सलवाल के अंदर हमारे पास मौजूद है। और जो प्राइमरी सलवाल है याद रखिए ये हमारे पास इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ये तमाम के तमाम जो प्राइमरी सलवाल है, अवल बात तो ये आम सेल में जो प्राइमरी सलवाल है, आन सेल में जो है वो प्राइमरी सेलवाल प्रेजेंट है। और इसी के साथ साथ
ये जो मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज के अंदर भी जो प्राइमरी सर्वाइवल है वो हमारे पास मौजूद है। इसी के साथ साथ यहां इधर जो है, इधर डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेकेंडरी सर्वाइवल भी हमारे पास मौजूद है। यहां पर मैं इसकी स्ट्रक्चर जो है जरा बनाता हूं। यहां पर ऐसे सेकेंडरी सर्वाइवल जो है वो भी डियर स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद है, इस तरफ भी मौजूद है और दोनों अतराफ जो है मौजूद है, इस तरफ भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसको हम, ये जो सेकेंडरी सर्वाइवल है इसको हम डियर स्टूडेंट सेकेंडरी सर्वाइवल कहते हैं। जो हमारे पास सेकेंडरी सर्वाइवल है, सेकेंडरी सर्वाइवल जो है ये थ्री लेयर से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास थ्री लेयर से इसकी कंपोजिशन हुई है। उस लेयर को हम S1, S2 और S3 के नाम से पुकारते हैं। यानी ये हमारे पास S1 हुआ, दैट इज कॉल्ड एज S2 और S3। इसी के साथ साथ यहां पर इधर से भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स इस तरफ भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस तरफ भी हमारे पास मौजूद है, इसको भी हम S1 और S2 जो है वो कहते हैं। अब यहां पर जो है, जो सेकेंडरी सर्वाइवल है, याद रखें ये जो हमारे पास तीनों लेयर्स है इसको मिला करके तब हमारे पास इससे सेकेंडरी सर्वाइवल जो है वो बनता है। याद रहे सेकेंडरी सर्वाइवल में मोर सेलुलोज होती है, सेलुलोज होती है और लेस हेमी सेलुलोज होती है। ठीक है, और लेस हमारे पास हेमी सेलुलोज इसके अंदर जो है वो मौजूद है। आपको यहां पर ये बिल्कुल, आपको यहां पर एक तरह का वैक्यूम नजर आ रही है। ये जो हमारे पास यहां पर वैक्यूम है इसको स्टूडेंट्स पिट्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिट्स। ये जो हमारे पास पिट्स है ये वो प्लेस है जहां पर गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, या सॉरी जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इसमें होते हैं। ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस। ये वो जगह है जहां पर गैशियस एक्सचेंज, सॉरी जो सब्सटेंस हमारे पास है वो यहां पर एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अब यहां पर हम कभी यहां पर जो है बात थोड़ा सा मैं टच कर देता हूं। जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब मॉडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब हमारे पास मॉडिफिकेशन होती है तो इसकी मॉडिफिकेशन के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास प्लाज्मोडेसमेटा बनता है। ठीक है, फिर हमारे पास प्लाज्मोडेसमेटा बनता है। अब प्लाज्मोडेसमेटा क्या है इस पर हम बाद में बात करेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर इधर इस प्राइमरी, इस दो प्राइमरी सर्वाइवल और हमारे पास बीच में जो मिडल है, मिडल लेयर हमारे पास है, इनके बीच में यहां पर एक मेम्ब्रेन मौजूद है, उस मेम्ब्रेन को हम पिट्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इनके बिल्कुल हमारे पास बीचों बीच में यहां पर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इस मेम्ब्रेन को स्टूडेंट्स पिट्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज पिट्स मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा, सॉरी मिडल लेमेला और सेल वॉल के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, तो पिट्स के जो पिट्स है खास करके यहां पर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस का जो अमल है वो यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है। इसी के साथ साथ अब यहां पर जैसे ये S1, S2, S3 ये सारे हमारे पास बेसिकली इस तरह का जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बनता है। अब इसी के साथ साथ यहां डियर स्टूडेंट्स बाहर की तरफ
आपको यहां पर टर्शरी सर्वाल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो है जो टर्शरी सर्वाल है वो भी हमारे पास यहां पर मौजूद है। टर्शरी सर्वाल जो कि सेकेंडरी सर्वाल की जो थर्ड लेयर है इसके साथ यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है अटैच है, यहां पर भी ये क्या है अटैच है। इसको हम बायोलॉजी में टर्शरी सर्वाल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए टर्शरी सर्वाल। अब हमारे पास जो टर्शरी सर्वाल है ठीक है, इसके बाद जो है इस टर्शरी सर्वाल का काम क्या है, इसका काम ये है इट्स प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट्स इन्हें प्रोवाइड करवाता है। अब यहां पर विकास ऑफ इसमें लिग्निन मौजूद है, ठीक है, विकास ऑफ लिग्निन एंड ज़ाइलम, ये दो चीजें जो है वो इसमें मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो उन्हें प्रोवाइड करवाता है। अब यहां पर अब आगे हम जाएंगे जो सेकेंडरी सर्वाल है, याद रहे हमारे पास जो सेकेंडरी सर्वाल है इसमें कुछ बातें स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें, सेकेंडरी सर्वाल है इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसमें परमानेंट सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, जितने हमारे पास परमानेंट सेल है, ठीक है, परमानेंट सेल में सेकेंडरी सर्वाल जो है यानी जितने भी हमारे सेकेंडरी सर्वाल जो बना है वो बेसिकली परमानेंट सेल से जो है बना हुआ है। अब यहां पर परमानेंट सेल से यहां पर मैं इसके दो एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोलन काइमा है, ठीक है, कोलन काइमा टिश्यू हुआ, और आपके पास जो है जो दूसरा जो हमारे पास है पैरन काइमा हुआ, ठीक है, ये दो इसकी जो है वो एग्जांपल है। इसी के साथ साथ ये भी याद रखिए जो सेकेंडरी सर्वाल है इसमें सुबेरिन मौजूद है, सुबेरिन के साथ साथ इसमें लिग्निन मौजूद है। प्रीवियस लेक्चर में लिग्निन सुबेरिन क्यूटीन इस सब चीजों पर मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, इसलिए जो न्यू व्यूअर्स है वो ये बात याद रखे प्रीवियस लेक्चर में ये तमाम चीजें मैं ऑलरेडी पूरा लेक्चर इस पार्ट ए सर्वाल पे ये बता चुका हूं, ठीक है, आप वहां से जो है उसको देख लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है प्राइमरी सर्वाल है, जरा इस प्राइमरी सर्वाल की भी बात करते हैं। प्राइमरी जो हमारे पास सर्वाल है डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी सर्वाल जो है हमारे पास जो प्राइमरी सर्वाल है ये तमाम के तमाम सेल्स में मौजूद है, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। इट्स प्रेजेंट्स इन ऑल सेल्स, तमाम के तमाम सेल्स में मौजूद है, खास आपके पास जो है आंसू इन मेरिस्टमैटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद है, बाद जब ये डिवाइड होते हैं डिवाइड होने के बाद फिर जाकर के ये सेकेंडरी सर्वाल में हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर जो है इधर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप एंजियोस्पर्म में या दूसरा जिम्नोस्पर्म में जरा देखेंगे तो जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वहां पर कुछ इस तरह है, ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने यहां पर ड्रा किया है इसी तरह बीच में सेंटर में यहां पर आपको मिडल जो लेमिना है वो आपको देखने को मिलेगा, साथ में हमारे पास साइड पर जो है वो जो प्राइमरी सर्वाल है वो भी इसमें हमारे पास मौजूद है, ठीक है, प्राइमरी सर्वाल यहां पर भी मौजूद है, इस तरफ भी हमारे पास प्राइमरी सर्वाल जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास
मौजूद है। यहां पर जो सेकेंडरी सर्वाल है, मैं सिर्फ एक दो यहां पर ड्रा करता हूं इसकी इस तरफ, हमारे पास यहां पर जो है वो सेकेंडरी सर्वाल, जैसे मैंने यहां पर बिल्कुल इसी तरह पोर्शन में हमारे पास यहां पर मौजूद है। इसी के साथ साथ यहां पर जो है इधर डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो सेकेंडरी सर्वाल है वो इस तरफ भी हमारे पास मौजूद है, यहां पर भी हमारे पास ऐसे मौजूद है, ठीक है, इधर भी हमारे पास मौजूद है। अब यहां पर जो है अगर आप गौर करेंगे, आपको यहां पर इधर जो है एक आपको नैरो ओपनिंग जो है वो थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है, ठीक है, ताकि मोबाइल में थोड़ा जो हमारे पास वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे ताकि इसमें वाजी आए। एक आपको यहां पर नैरो ओपनिंग नजर आ रही, एक ये वाला हमारे पास है, इसको हम सिंपल पिट्स कहते हैं, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए सिंपल पिट, आपके पास जो है सॉरी पिट्स कहते हैं। ये जो सिंपल पिट्स है ये डियर स्टूडेंट्स एंजियो स्पर्म का जो है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं इट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म की करेक्टरिस्टिक्स। एक आपको यहां पर ये नैरो ओपनिंग नजर आ रही है, ठीक है, ये जो नैरो ओपनिंग यहां आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसके लिए भी यानी ये जो नैरो ओपनिंग है, इस नैरो ओपनिंग को डियर स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो बॉडेड पिट्स कहते हैं, ठीक है, बॉडेड पिट्स कहते हैं। ये जो हमारे पास बॉडेड पिट्स है, ठीक है, हमारे पास बॉडेड पिट्स जो है ये जिम्नोस्पर्म का करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इट इज दी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, इस पर हम आगे पूरा जो है टॉपिक है लेक्चर से इस पर बात करेंगे। अगर इस तरह हुआ, एक बात आप ज़हन में याद रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह हुआ कि जैसे मैंने यहां पर सुबरीन की बात की है, यहां पर मैंने लिग्निन की बात की है, अगर इस तरह हो सेल के अंदर जो है वो लिग्निन की मिकदार इक्विलिब्रियम हालत में हो, किस हालत में, हमारे पास अगर सेल के अंदर जो है याद रखिए, अगर जो है हमारे पास क्या हो, इन सेल इफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ लिग्निन इज इन यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म हालत में हो, ठीक है, अगर सेल के अंदर यानी हमारे पास सेल के अंदर जो है हमारे पास जो है लिग्निन की मिकदार यूनिफॉर्म फॉर्म में हो, यानी इस पूरी साइटोप्लाज्मिक पोर्शन में यहां पर बिल्कुल यूनिफॉर्म फॉर्म में, यहां इसकी इर्द गिर्द डियर स्टूडेंट्स यहां पर लिग्निन की मिकदार अगर यूनिफॉर्म फॉर्म में हो, तो याद रखिए अगर इस तरह का पोजिशन था तो इसमें जो सेल का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ठीक है, ये सारे हमारे पास यहां पर जितने भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मौजूद है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है, वो सब की जो है कंटेंट की जो है वो क्या हो जाएगी, ये डाई हो जाएगी, जैसे डाई हो जाएगी ये रिजिडनेस जो है वो इख्तियार करेगी, जब वो रिजिडनेस इख्तियार करते हैं तब इसको हम डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो है एक और इशू बनता है जिससे आप लोग अच्छे से वाकिफ हो, जिसको हम काइमा टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो स्क्लेरल काइमा टिश्यू उस टाइम बनता है जब सेल के अंदर जो लिग्निन की मिकदार यूनिफॉर्म फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तब हमारे पास जो सेल है वो हमारे पास रिजल्ट होते हैं। उसके बाद जो है हम मजीद मूव करेंगे फंक्शंस ऑफ सेलवाल की तरफ, ठीक है, जो सेलवाल का जो फंक्शंस है वो क्या है जरा उस पर भी बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो हमने बात करना है दैट इज कॉल्ड एज ए फंक्शंस
ऑफ सलवार के सलवार की जो फंक्शंस है वो क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सलवार का जो फंक्शंस है, एक फंक्शंस तो ये है कि ये शेप जो है हमारे पास जो है शेप और स्ट्रक्चर जो है वो देते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इट्स प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर, इट्स प्रोवाइड शेप्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो शेप और स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये एक तरह का जो है वो फ्रेमवर्क की तरह हमारे पास काम करता है, नंबर वन, ठीक है। इसी के साथ साथ नंबर टू, यानी आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि सेल को शेप प्रोवाइड करवाना, ये काम सर्वाल का है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास अभी हमने बात की प्राइमरी सर्वाल की, जो हमारे पास प्राइमरी सर्वाल है, ठीक है, हमारे पास जो प्राइमरी सर्वाल है ये हेल्प करता है एंजाइमेटिक, ठीक है, हमारे पास ये हेल्प करता है इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, जितने भी हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है इसमें डियर स्टूडेंट्स ये जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, यानी हेल्प करता है। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तीसरा काम क्या है, आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, ठीक है, आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट्स, ठीक है, जो हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट्स टू प्लांट सेल, ठीक है, टू प्लांट सेल्स, ये तरह का जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ तीसरा काम जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो तीसरा हम क्या लिखेंगे, नंबर फोर जो है हम लिखते हैं आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशंस, ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। यानी यहां पर जो है ट्रांसपोर्टेशन की इसका मतलब यहां पर ये है कि जो वाटर जो है, वाटर आपके पास हो गया, आपके पास मिनरल्स हो गया, और साल्ट की जब हमारे पास मूवमेंट्स होती है इसमें भी ये हेल्प करता है। याद रखिए प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट्स होती है, यानी जो हमारे पास वाटर इसमें मूव करता है तो दो तरह की इसमें आपको मूवमेंट्स देखने को मिलता है। एक को हम डियर स्टूडेंट्स दो तरह की मूवमेंट्स इसमें है, एक मूवमेंट्स को एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, ठीक है, एक मोमेंट ये है, दूसरा जो मोमेंट्स वाटर जो करता है प्लांट्स में उसको हम एपोप्लास्ट के पास जो है, दूसरा हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स सिम्प्लास्ट पाथवे है, ठीक है। ये दो तरह की जो है वो पाथवे होती है जिसमें वाटर मिनरल्स और साल्ट जो है वो मूव करते हैं। यानी यहां पर जरा मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, यहां से ये रूट हेयर है, ठीक है, यहां पर ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स रूट हेयर है, यहां से ये पूरा इस तरह जो है वो क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर इसको हम डियर स्टूडेंट्स रूट हेयर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए रूट हेयर जो है। इसके बाद आपको यहां पर और भी सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहां पर ऐसे और भी सेल्स यहां पर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये जो हमारे पास सेल्स है इन सेल्स को हम डियर स्टूडेंट्स कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं, ठीक है, दीज सेल आर कॉल्ड एज ए कॉर्टिकल सेल्स, इसको हम कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं। यहां पर लास्ट में यहां पर डियर स्टूडेंट्स यहां पर इसके बाद जो है वो जाइलम सेल्स जो है वो हमारे पास यहां से शुरू हो जाती है, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए जाइलम सेल जो है वो यहां से शुरू हो जाती है। अब इधर जब वाटर मूव करता है सबसे पहले स्टूडेंट्स
इधर होता क्या है कि सबसे पहले यहां पर जो वाटर है वो यहां से इस रूट हेयर के थ्रू इसकी कंडक्शन होती है या सकिंग होती है। यहां पर जैसे वाटर सक होते हैं तो इधर से ये अगर वाटर ऐसे ही मूव करे, रूट हेयर सीधा कॉर्टिकल सेल्स में है, कॉर्टिकल सेल के सेलवाल में अगर ऐसे मूव कर रहे हैं, सीधा सेलवाल टू सेलवाल हमारे पास ऐसे मूवमेंट करके सीधा यहां पर अगर वाटर पहुंच जाए तो इस तरह की जो फ्लो होती है, फ्लो ऑफ वाटर जो हमारे पास होती है, इस अमल को हम बायोलॉजी में एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। यानी हम लिखते हैं द मोमेंट ऑफ वाटर विच मूव फ्रॉम सेलवाल टू सेलवाल। ठीक है, एक दूसरा हमारे पास मोमेंट है जिसमें वाटर यहां से निकल के, यानी यहां पर जैसे ये वाटर इन होते हैं, इन होने के बाद सीधा यहां पर आकर के एक सेल के न्यूक्लियस से लेके दूसरा प्लाज्मोडेस्माटा को के थ्रू जो है जब ये सीधा ऐसे यू मूव करते हैं, ठीक है, सीधा यहां पर ऐसे मूव करते हैं, तो इस मोमेंट्स को डियर स्टूडेंट्स वाटर की जो इस तरह फ्लो होती है, इस फ्लो को हम सिम्प्लास्ट दैट इज कॉल्ड एज ए सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए सिम्प्लास्ट पाथवे। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में हम लिखते हैं कि वाटर का मूव करना, यानी द मोमेंट ऑफ वाटर्स फ्रॉम सेल टू सेल, फ्रॉम सेल न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस विद थ्रू ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जब ये हमारे पास मूव करे तो ऐसे मोमेंट्स को डियर स्टूडेंट्स हम जो है वो सिम्प्लास्ट जो है वो यानी जो पाथवे है जिसमें सेल के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक जो वाटर मूव करे इसको हम सिम्प्लास्ट पाथवे मोमेंट्स कहते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स है, आपको प्लांट्स की जो इतने हमारे पास हाइट नजर आ रही है वो उसमें भी हमारे पास सेलवाल का जो है वो क्या है, किरदार है। तो यहां पर हम नंबर 5 यहां पर फंक्शन लिखते हैं, चाहे हमारे पास क्यूटीन हो, क्यूटीन के साथ साथ हमारे पास लिग्निन हो, ठीक है, लिग्निन हुआ और इसी के साथ साथ जो है सुबेरीन हुआ, ठीक है, इन सब का काम क्या है, सब का काम ये है कि ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, लॉस ऑफ वाटर को ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये एक तरह का पोर्स है, सुराख है जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद है जिसके थ्रू हमारे पास सेल के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस हमारे पास जाइलम के सेल तक जो है वो वाटर हमारे पास मूव करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और इसी के साथ साथ आप लोग जितने भी नए व्यूवर्स हैं या जो बाकी जितने भी हम मेरे कमांडोज हैं, सबसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर्स को आखिर तक देखें, ठीक है, ताकि आप इससे जो है वो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, ठीक है, पढ़ते रहें और सीखते रहें। ऑल द बेस्ट।